चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। ये 3D के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं 2D के लिए बता रहा हूँ। 2D में दो पॉइंट होंगे, मतलब दो चीजें होंगी, एक एक्स एक वाई। आप ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हाइट वाई का काम करेगी, हॉरिजॉन्टली एक्स का काम करेगी। पाइथागोरस से मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस होती है ये यूनिट होती है वन। ये जितने भी बॉक्स बने होते हैं इन सबकी लेंथ क्या होती है, वन होती है। जब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ये जो आप बना रहे हो एक्स एक्सिस को, आप यूनिट वेक्टर जब लिखते हैं एक्स एक्सिस में, वो आई होता है। और यही जब वाई एक्सिस पे जाएगा तो होगा जे। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इनके ऊपर ऐसे कैप लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बेटा? क्या कैप लगाई जाती है। तो अब आप ये समझिएगा, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन आई। एक तरह से वन आई का मतलब यूनिट हो गई उसकी, मैग्नीट्यूड हो गया वन। क्या हो गया मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड वन है और वेक्टर फॉर्म क्या है एक्स एक्सिस में? आई। ठीक है। अब मान लो मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट है 3 4। ठीक है, तो इसे जब आप ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे यहां पर, तो ये 3 i नहीं होगी लेंथ ये वेक्टर फॉर्म में, और ये j की डायरेक्शन हो गई भाई, y तो j है, तो ये हो गया 4j। तो आप जब इसे ज्वाइन कराओगे ओपी को, इस केस में ओपी को जब आप ज्वाइन कराओगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये प्लस ये। क्या मेरे को ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? यहां पर आई अगर मैग्नीट्यूड लोगे या जे का मैग्नीट्यूड लोगे, वो क्या है सबके? क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह में क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर। कोई परेशानी वाली बात इसमें? नो सर। अब मैंने ये इस तरह से जैसे मेंशन किया कि भाई मैंने 3 और 4 लिख दिया, लेकिन यहां तो मैं एक्स वाई मान रहा हूं क्योंकि मुझे तो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ पे जाना है, मतलब सभी पे मान्य हो वो बात। तो इस केस में जब आप ये वेक्टर लिखना चाहोगे ओपी वेक्टर, तो क्या लिखोगे? एक्स आई प्लस, आई वाई जे के कैप ऐसे बनाऊंगा एक्स आई के साथ और वाई जे के के साथ। साथ। लेकिन कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि इस पी पॉइंट को वो कह दें वाई कोमा एक्स। तो अब ऐसा नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे वाई बना रहे हैं तो मैं उसे अब वाई जे लिखूंगा, नहीं। इस केस में इस कंडीशन के लिए बनेगा ओपी वेक्टर क्या? वाई आई प्लस एक्स जे। क्लियर है मुझे? क्योंकि मुझे पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर वर्ड याद है, मुझे ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट में जो ऑर्डर्ड पेयर चलता है वो पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, उसके बाद अब जेड की बारी आ जाए। डन। तो इसे 2D के हिसाब से जो मैं पढ़ के आया हूँ अभी से मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, लेके जाऊंगा 3 वाले यानी कि 3D वाले पे, जहां पर एक जेड एक्सिस और इन्वॉल्व होगा। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो यूनिट लेंथ होंगी ऐसे ऑब्वियसली ये आई वेक्टर होंगे यहाँ पर आई कैप, जब ये वाई पे जाएंगे ऐसे तो ये जे कैप, जे कैप और ओके कैप और इंक्लूड करा था अभी मैंने भाई जेड भी हो गया, तो ये हो गया के के। कैप। अब यहां से एक बात तो मुझे पहले जैसी ही रखनी है कि सबके जो मैग्नीट्यूड होंगे इन आई जे के वो क्या होंगे, सबके इक्वल होंगे। इक्वल होंगे और वो वन होंगे। क्लियर हूं मैं? यस सर। अब इस केस में अगर इस वेक्टर को मैं ओपी बनाना चाहूंगा तो अब मुझे यहाँ दो दो थे एक्स वाई टाइप के, तो मैंने एक्स आई वाई जे लिखा था, अब मेरे पास तो 3 है, तो एक्स आई, क्यों एक्स आई कैप वाई प्लस जे जे कैप कैप प्लस और जेड जेड के कैप। के कैप, ये मेरा वेक्टर फॉर्म बनेगा। यस अब यहाँ यहाँ आपने जो ये ओपी था वो क्या लिखा था, सर। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर। यस सर। तो यहां ओपी क्या बनना चाहिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में? एक्स वाई है जेड इंक्लूड, तो एक्स वाई के साथ जेड इंक्लूड। यही सही। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आया भाई? अंडर रूट क्यों आया? अंडर रूट क्यों आया?
ये जैसे पाइथागोरस में निकालते थे ना थर्ड दो के लिए, ऐसे ही ये रूट में मैग्निट्यूड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अब जेड और इंक्लूड कर दिया मैंने। आया समझ? यस सर। चलो अब आप इन्हें एक तरह से चाहो तो नोट कर लो, ये 2D के लिए सब कुछ है, ये 3D के लिए सब कुछ है। अरे यार मीटिंग कर दे। इसका मतलब ये देखो, मैं कह रहा था कि ये चीज ना बहुत जगह आप आगे जो पढ़ने जा रहे हो ना, वो आर होगा रिजल्टिंग के लिए कई जगह, और कई जगह जैसे हम अननोन पॉइंट मानते थे ना कोऑर्डिनेट में कि लेट द पॉइंट बी एक्स वाई अननोन, ऐसे वेक्टर में आर अननोन माना जाएगा जो होगा एक्स आई वाई जे जेड के। ये जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली आगे आगे, चाहे हम स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, चाहे हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, चाहे हम अननोन कोई भी लेंगे, वो यही लिया जाएगा। जैसे एक्स वाई लेते थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड वाला आई जे के लगा के लेंगे अननोन। मुझे लगता है सुपर 40 में भी बच्चे तो अपने ठीक ठाक थे, थोड़ा ज्वाइन कम कर रहे हैं, कोई खास वजह मेरे बच्चों को? हाँ जी बेटा, और साथी लोगों से भी संपर्क करो, उन्हें कहो भाई क्लास चल रही है, अपने अच्छे से ज्वाइन करें, मेहनत करें, सीखें। हो गया बेटा, यस सर। आगे चलो। यस सर। अब एक प्रॉपर फिर से मैं बना रहा हूं, फिर इसके बारे में सारी बातें लिख लेंगे। एक अपना पॉइंट पी जो हमने एक्स वाई जेड अभी अभी बात की, ये मैंने ज्वाइन किया ओ से। जब इसे ज्वाइन करोगे तो एक वेक्टर बनने वाला है ओपी वेक्टर, जिसे मैंने आर बोला। ये होगा एक्स आई वाई जे जेड के। भाई मैं आई जे के पे अगर कैप ना लगाऊं तो थोड़ा आप समझ जाइएगा कि वही चीज है वैसे। ठीक है बेटा। यस सर। तो अब इसमें नंबर एक इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड होगा ओपी का वेक्टर ऐसे मैग्नीट्यूड फॉर्म, या आप ओपी लिख लीजिए या आप आर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, और वो होगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। दूसरा दूसरा ये जो आप एक्स वाई जेड देख रहे हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं ये, ठीक है, समझ रहे हैं? इन्हें डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो होते हैं वेक्टर के लिए, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो इसे स्टैटिक पॉइंट ही बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ स्टैटिक पॉइंट। स्टैटिक पॉइंट जो रुका हुआ पॉइंट होता है, जो वेरिएबल नहीं है, मान लो अगर कोई रुका हुआ पॉइंट है तो वो फिक्स होता है। जैसे मैं इसको कह दूं भाई 1 2 5 है, तो ये स्टैटिक पॉइंट हो गया अगर ये रुका हुआ है। वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड, स्टैटिक पॉइंट एबीसी 1 2 3 9 8 5, ऐसे करके कोई फिक्स नंबर, स्टैटिक पॉइंट। ठीक है। यस सर। मैग्नीट्यूड क्लियर मेरे को? मैग्नीट्यूड समझ में आया? यस सर। चलो, कल हमने चर्चा की थी यूनिट वेक्टर को लेकर, याद है मेरे बच्चों को यूनिट वेक्टर लेकर के चर्चा की? यस सर। तो यूनिट वेक्टर मैंने कहा भाई ए कैप कैसे निकलता है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे, डिवाइड। मतलब अगर मैं ओपी का यूनिट वेक्टर निकालूं, तो कैसे करोगे, ओपी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन अंडर रूट
नहीं वो लाएंगी अभी। क्या क्या हो गया? आगे भाई, ये है अपना प्रोसेस है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मॉडुलस से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? लिख लीजिए। हो गया, आगे चलें बेटा। यस सर, यस सर। अब एक वर्ड आता है कोप्लैनर। क्या आता है? कोप्लैनर का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों? एक ही प्लेन में। हाँ, ऐसे वेक्टर्स एंड ए आर, ऐसे वेक्टर्स लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है? जैसे आपने आपने एक पेपर लिया, उस पेपर पे ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी, जैसे मेरे हाथ पे ये लाइनें बनी हुई है ना। आपने एक बोर्ड लिया, ये एक पेपर या बोर्ड कह दो आप, उस पे आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिए, एक ऐसे बनाया, दूसरा वेक्टर आपने ऐसे बना दिया, तीसरा वेक्टर आपने फिर ये ले लिया, एक वेक्टर आपने फिर से ऐसा बना दिया। तो ये जितने भी वेक्टर आप बना रहे हैं ये सेम प्लेन में है। किसमें है बेटा? सेम प्लेन में। क्या कोई परेशानी इस बात को समझने में? नो सर। समझ आ गया मेरे को? ठीक है बेटा। है जी बेटा। अब आप इसमें दो चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो। वेक्टर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, नंबर एक डायरेक्शन, नंबर दो मैग्नीट्यूड। क्या इसमें कोई मैंने डायरेक्शन फिक्स कर रखी है किसी की? इसका मतलब एनी डायरेक्शन हो सकती है ना बेटा? यस सर। मतलब जब मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा, कोप्लैनर वेक्टर, एक प्लेन में वेक्टर, उनकी डायरेक्शन से उसका कोई लेने देना नहीं है कोप्लैनर। डन बेटा। दूसरी बात, मैंने क्या लेंथ फिक्स करी है इनमें, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड फिक्स किया क्या? नहीं किए। इसका मतलब एनी मैग्नीट्यूड। आप दोनों चीजें यानी कि किसी भी डायरेक्शन या किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं एक प्लेन। क्लियर? यस सर। चलो बनाओ इनको फटाक्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यूज करते हैं ये ओए ओबी छोड़ करके वेक्टर की टाइप की चीजें। मान लो दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है जिसे मैं ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के मान लेता हूं। एक सेकंड वेक्टर बी, उसमें बी वन, बी टू, बी थ्री मैंने ले लिया। यहां तक कोई परेशानी दो वेक्टर मेरे पास? नो सर। एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड होता है, पता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब? यस सर। है ना, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन वाले या सेम चीज के कोफिशियंट। उसको मैं या तो सेम पोजीशन हूं उनकी या सेम टाइप के कोफिशियंट हूं। जैसे मैं इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं, दोनों ए और बी वेक्टर की,
तो मैं कहता हूँ एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, इनके कोरोस्पोंडिंग आपको ऐड करना है। इसका मतलब जानते हो कि आई आई वाले से मतलब रखना है, जे जे वाले से लेके जाना है, और के वाले को के से लेके। क्या कोरोस्पोंडिंग का मीनिंग है, क्लियर मुझे? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज मुझे कहा गया भाई दोनों को ऐड कर दो, आप क्या कर दो दोनों को? Add. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं कैसे ऐड करूंगा भाई? कोरोस्पोंडिंग वाले, यानी ये दोनों जाएंगे yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही, फिर ये दोनों चले जाएंगे और फाइनल ये दोनों चले जाएंगे। क्लियर हूं मैं? Yes, sir. तो अब कैसे जाएगा, देखो ये जाएगा ए वन प्लस बी वन आई हो जाएगा, ए टू प्लस बी टू जे हो जाएगा, ए थ्री प्लस बी थ्री के हो जाएगा। yes, तो एडिशन क्लियर? यस सर। यही बात अगर सब्ट्रैक्शन पे हो तब भी तो ऐसा ही जाएगा, है ना? तो कैसे लिखा जाएगा, ए वन माइनस बी वन आई, ए टू माइनस बी टू जे, ए थ्री माइनस बी थ्री के। हाँ वो मैं बोल रहा था आपको कि अगर मैं ना लगाऊं तो आप मान लेना कि वो वैसे उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। yes, ठीक मेरे बच्चों? yes, आ गया? yes, sir. अब बात आती है कि अगर मैं कह दूं कि वेक्टर्स जो हैं इक्वल हैं, अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो आपसे एक एग्जांपल लगवाया जा रहा है कि 3i प्लस 4y माइनस 1j प्लस 2a इक्वल टू, इक्वल टू 3x माइनस 1i प्लस 7j माइनस 2b प्लस 1k। अब तुमसे इसमें थोड़ा घुमा के पूछा गया है, उसने कहा भाई x बताओ y बताओ एंड उधर उसने b लगा दिया, इनकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, भाई क्या करना चाहिए? आई आई वालों के कोएफिशिएंट, जे जे वालों के कोएफिशिएंट इनके इक्वल रखेंगे। हाँ वही कोरस्पोंडिंग वर्ड, यानी ये किसके साथ जाएगा इक्वल में? यस। तो लगाओ जल्दी से, बताओ क्या आएगा भाई? एक्स क्या आना चाहिए, वाई क्या आएगा और बी क्या आएगा, ये तीनों की वैल्यू बता दो। एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री, वाई इक्वल टू टू, यस सर, और बी इक्वल टू थ्री बाई टू आएगा या माइनस थ्री बाई टू आएगा? माइनस थ्री की वैल्यू माइनस टू आई कैप आ रही है, ठीक है। देख लो सर, माइनस थ्री बाई टू। हाँ जी, तो जब हम कोई दो वेक्टर कंपेयर करें जो कि इक्वल है, या ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, तो कहाँ जाना है? कॉरस्पॉन्डिंग। ओके यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलो इन्हें नोट कर लिया, हो गया मेरा? यस सर। आगे चल दूं? मान लो एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर,
इसी में ना कुछ मतलब पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर। सबसे पहले उसने कहा एक ए और एक बी, दो वेक्टर, डन दिया। फिर उसने कहा ऐसी चीजें निकाल दी, तो ये दोनों चीजें या तीनों चारों चीजें जो हैं, सबसे पहले आप ए और बी के वही कॉरेस्पॉन्डिंगली एड सब्ट्रैक्ट वो चीजें जानते हैं, उससे ये वैल्यूज निकालिए। ठीक है, निकालिए जरा जल्दी से करें, फिर मैं करूंगा, आप टैली कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ट्राई कीजिए। Seven I K plus five. Second car is 2i k minus 3j k plus k. 2i minus 3j plus k. Yes sir, यही आ रहा है. Okay. Plus k. Third का है √118 ना. √118. Yes sir. Fourth नहीं करा अभी. Okay okay, try कीजिए. Good. So fourth आएगा 5. इतनी जल्दी? कहीं से देख रहा है ये लड़का ऐसे लग कहीं से नहीं देखा नहीं मैं उसमें बोल रहा हूँ, ऐसे ही लगता है जैसे कोई, हम तो अभी पहले पार्ट में एक बंदे ने फोर्थ का आंसर बता दिया, सारे बच्चे चौंक गए, भाई ऐसे कैसे इतनी जल्दी, अब तो फर्स्ट ही किया हमने। तो अभी कुछ बच्चे ना इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता है ये शुरू से करेंगे, तो मैं पीछे वाला कर देता हूँ। सही बोला सर, शुरू से करा था भाई, दूसरे को टाइम कर दो। नहीं मैं तो एक कॉमन बात बता रहा हूँ, जैसे बहुत से बच्चे एग्जाम हॉल में भी होता है कि वो शीट मांग लेते हैं पहले ही, तो 10 मिनट बाद ही हाथ उठा दिया, क्या सीट चाहिए सर? दूसरे बच्चे एकदम तो परेशान हो गए, अभी तो पेपर बटा ही ना, सीट भी मांग ली, पता चला वो इसलिए रख रहा कभी बाद में सीट मांगने का टाइम ना मिले उसे। बहुत दिमाग ना बच्चों में ज्यादा होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले बच्चे होते हैं। तो हिंदी मीडियम से हैं बच्चे या इंग्लिश मीडियम से हैं ज्यादातर? हिंदी सर, हिंदी मीडियम। गुड। अभी एक अपना एक्सपीरियंस में हिंदी मीडियम से ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी वाले कुछ कर नहीं सकते, पुराने लोग सब हिंदी वाले हैं, मोदी जी भी हिंदी बोलते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। तो अभी एक अनुभव रहा मेरा कि मैं कहीं गया था तो इंटरव्यू हुआ, तो वहां सब लोग इंग्लिश में तड़ातड़ मतलब 25-30 लोग थे, 30 के करीब थे, और चार हॉल में बैठे थे अलग अलग, आठ आठ के ग्रुप साथ साथ बनाए हुए थे। अब हम तो शुद्ध हिंदी भाषी हैं भाई, दूसरा बोल रहा है ठीक है उसकी इच्छा है, हमें नहीं बोलना। तो वहां पे बाद में जब किसी मतलब जो एक हेड पर्सन होता है उसने बुलाया, वहां भी अपनी हिंदी ही चली, तो बड़ा मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा कि हिंदी मीडियम से हो? मैंने कहा यस सर। तो बहुत हंसा, कह रहा है मैं भी वहीं से पढ़ के आया हूँ। तो आप समय के साथ धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, लेकिन आप जिस काम के लिए लग रहे हैं वो आप अपना परफेक्ट कीजिए, यानी अभी आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, अभी आप इसे परफेक्ट करें बहुत अच्छे से लेवल पर, जब समय आएगा ना वो भी सीख जाओ, सब आ जाता है। अभी अपनी जरूरत की चीजें सीख करके अपना काम निकालो, अपना समय जो है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आती नहीं है, आती है, लेकिन जरूरत की चीज ज्यादा आनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से परफेक्ट होने चाहिए अपने काम, तो ये सब सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है ना बेटा? चलो तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 6 बनने वाला है और वो 12, 6, 12, 18 आई होगा। Yes, sir. पहले मैं उनको निकाल लेता हूँ, पहले वैल्यू बना लेता हूँ, उसके बाद ये अपना 2 होगा, -2 होगा और वो +3 होगा, तो j बचेगा। Yes, sir. उसके बाद ये अपना 4 होगा और वो अपना 9 होगा, तो 13 हो गया। Yes, sir. अब आपने ना इसको अंडर रूट में लेके जाना है मैग्नीट्यूड के लिए, ऐसी तो करोगे, यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे इसका? इसको अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए सी मान लूं, है ना, तो सी का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे,
है ना बच्चों? बस अब ये जरूरी नहीं है कि अब ये मैंने कोई बुक से थोड़ी ना दिया है, मैंने तो आपको मेथड के हिसाब से दिया है, तो अपने को जरूरी नहीं है कि परफेक्ट आंसर ही बनाना है, ठीक है? थोड़ा बहुत दाएं बाएं आ जाएगा तो यहाँ कोई आंसर बन जाएगा अपना, क्यों भाई? जरूरी नहीं है कि ये जो चीज आपके पास है ये परफेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक? तो जो भी बन के आ रहा है अपना आंसर बन के आ रहा है, ओके? यस सर। तो कुछ समझ में आई ये बात भाई? यस सर। आगे चले? यस सर। ये जो यूनिट भाई माइक थोड़ा जहां ऐसा कुछ हुआ करे माइक थोड़ा बंद रखा करे। यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं फिर मैं इसे कहीं रिफ्लेक्ट कर दूंगा, उसी चीज को एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करूंगा, ध्यान से समझे। अभी मान लो मेरे पास एक आर वेक्टर था, जैसा कि मैंने कहा कि भाई अगर अननोन होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक्स वाई जेड मान लेंगे, ऐसा बोला था मैंने, कुछ याद है मेरे को? यही तो है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। किसी को कोई समस्या? नो सर। ओके, अब ये बताइएगा कि आर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलना चाहिए? समझ रहे हो आप? ऐसे? ऐसे होगा? यस सर। अब इसी को क्या एक दूसरी फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख लूं, अलग अलग कर दूं बेस जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जो आंसर हर होते ना हर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, वो मैं अलग अलग लिख सकता हूं क्या ऐसे भाई? यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस बात को लेकर के? नो सर। चलो ये बात मेरे को कोई डाउट नहीं है इस चीज पे, ये जो मैंने लिखा नहीं है ना सर? आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझना ज्यादा है, सोचना पड़ेगा। मैंने ये पी पॉइंट एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने ये ज्वाइन भी किया था, याद होगा आपने को। अब एक बात पकड़ना मेरी, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालू ऐसे तो मुझे ये पता है कि ये बेस होगा एक्स, होगा? यस सर। बेटा अगर अगर मैं ये एंगल कोई सोच लूं और मैं कह दूं ये तो अल्फा है, भाई कुछ तो एंगल बनाएगा ना हाइपोटेन्यूस बेस के साथ। यस सर। बना रहा है? ये हाइपोटेन्यूस अभी मैं लेके चला हूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मुझे लगता है किसी को अभी तक कोई समस्या नहीं आई होगी इस चीज, ठीक है ये? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कोस अल्फा निकालो क्या बताओगे आप मुझे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या ऐसा नहीं कह दोगे भाई? ये तो देख करके सबको पता है सर, ऐसे लिख देंगे हम इसको, लिख देंगे। हाँ जी मेरे बच्चों, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो भैया बेस एक्स हो गया, हाइपोटेन्यूस ही हो गया, लिख दिया मैंने, क्या परेशानी आई? कुछ भी नहीं। चलो अब अगला स्टेप क्या है कि क्या ऐसे ही मैं यहाँ नहीं डाल सकता परपेंडिकुलर, ये बेस इस बार वाई हो जाएगा। यस सर। और वाई के साथ अगर मैं कह दूं कि ये एंगल बीटा है, साइन थीटा कॉस बीटा, भाई बेस ये बार बार मेरे पास वाई, तो इस बार कॉस बीटा के हिसाब से वाई अपॉन ये होगा। यस नो? यस सर। अब जैसे पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर एक्स और वाई पे यहां पर डाले हैं,
तो ऐसे ही तो जेड पे भी तो आएगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोई। यस सर। और ये डिस्टेंस क्या होगी? जेड। तो इस बार इसका एंगल अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि ये अपना गामा है, क्या है ये एंगल? गामा। समझ रहे हो? तो क्या होगा इस बार गामा, गामा के हिसाब से क्या होगा? एक तरह से ये जो गामा एंगल बनेगा कॉस गामा, कॉस गामा जेड अपॉन नहीं होना चाहिए, क्यों बेटा? भाई एक्स जो है कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल एक्स एक्सिस, कॉस बीटा बीटा वाई एक्सिस से, इसलिए वाई अपॉन, कॉस गामा गामा जेड एक्सिस से है तो जेड अपॉन। कोई डाउट? नो सर। बेटा इन तीनों को, बेटा इन तीनों को जो मैं ले रहा हूं, ये जो तीन है इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देशित कर रहे हैं, और कोसाइन की फॉर्म में यानी कि कोस की फॉर्म में, ठीक है? हो गया? Yes, sir. क्या ये चीज जो अब आप देख रहे हैं ये, क्या ये ऐसे नहीं बना देगी अब कोस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के? बताओ जल्दी, कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे ही चीज? Yes, sir. अब बेटा बहुत जगह आप ऐसा भी पढ़ेंगे कि इसे ना एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से करते हैं, और बेटा इसको एन से। Means, जो कोस अल्फा होगा कोस अल्फा एल से रिप्रेजेंट, कोस बीटा मेरे बच्चों एम से, एंड कोस गामा मेरे बच्चों एम से, एल एम एन। चेक कर, इन्हें नोट कर लो, बहुत ही अच्छी चीज है। अभी से 2 पॉइंट फॉर्म पे भी मैं लेके जाने वाला हूं कि अगर 2 पॉइंट है उस केस में कैसे बनाते हैं। समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? अगर लगता है तो मैं थोड़ा और स्लो कर लूंगा स्पीड। स्पीड सही है अपनी बेटा समझने की, मतलब लिखने की मेरी और समझाने की? यस सर। हो गया बेटा ये? यस सर। मॉड्यूल मिला नहीं मिला इसका, मतलब पीडीएफ फॉर्म आ गया आपके पास इसका? चलो सर, मैंने ट्रांसफर कर दिया बॉम्बे मैसेज, मे बी आज शाम तक आ जाएगा, मतलब दोपहर बाद आ सकता है, ठीक है बेटा? चलो ये क्लियर हुआ मुझे? यस सर। यस सर। अब फिर से इस बात को फोकस करना, ये दिख रहा है आपको? अभी इसी पे मैं कुछ बनाने वाला हूँ, ये देख लिया आपने ब्लू वाला ये पार्ट? यस सर। चलो अभी इसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी मैंने देखा कि भाई कोस अल्फा क्या लिखा था बेटा, एक्स अपॉन अंडर रूट कोस बीटा वन अपॉन करके वाई अपॉन करके था अपने पास, एंड कॉस गामा जेड करके था। कोई परेशानी नहीं है अभी तक? अगर मैं इन्हें स्क्वायर कर लूं बेटे एंड एड भी कर दूं, क्या मेरे बच्चों इनको स्क्वायर भी कर रहा हूं और इनको ऐड भी कर रहा हूं? जब मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या बनना चाहिए मेरे बच्चों? देखना जरा, लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट वाला कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, लेफ्ट वाला गेम खत्म है ना। राइट वाला देखो, राइट वाले में एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो नीचे वाला पार्ट है वो सबके लिए सेम है, यानी कि एलसीएम से ऐसे बनेगा ना, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया। अब ऊपर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
क्या ये चीज कैंसिल हो गई, कट गई, बन हो गया? यस सर। मतलब मैंने देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बन हो गया। यस नो? यस सर। बेटा इसी में आप इसे ऐसे भी पढ़ते हो बहुत जगह। एलिमेंट बोला था ना मैंने कि इसको एल भी कहते हैं, ये एम, ये एम। और इनके नाम क्या है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। तो ये बात क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो भाई, देख रहे हो आप? एग्जाम्पल है आपके लिए, थोड़ा सोचो इसको। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा। सो वन ऑप्शन गलत है, गलत आ गया ऑप्शन पे। हेलो, गलत आंसर आया है। सोचो, फिर से सोचो सर। फोर सर, फोर टू आंसर आ रहा है। यस, तो करना कैसे है? बात है करना कैसे, करना है ये जो दिया है ना, देख रहे हो ये वाला वन माइनस साइन स्क्वायर करके। यस, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसकी जगह पे आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है भाई, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन है ही। अब ये वन टू थ्री ये तीन हो गए, क्यों? और वो एक, या ऐसे कह दो, लो हटा ही लिया। अब इन्हें कर दोगे एक तरफ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वल टू टू हो जाएगा। सही है भाई? क्या हो जाएगा? इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो। ये ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, और ये ऑप्शंस में होंगे फिर अपने वन टू थ्री फोर आंसर्स। जितने आपने आंसर बोले सारे ऑप्शन में होंगे, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा। तो पहली लुक में वन लगेगा, दूसरी में फोर लगेगा, और दोनों गलत होने के बाद कुछ बच्चों को टू लगेगा। तो वो कुछ बच्चों में आप होने चाहिए, आप होने चाहिए उन कुछ बच्चों में जिन्हें टू लगे। आगे चले? Yes, sir. चलो आगे। अब दो पॉइंट को लेकर के चर्चा करते हैं। पता नहीं एक्स एक्सिस कब से इधर आ गया एकदम। चलो एक्स वाई जेड मेरे को समझ आ रहा होगा। मैं मानता हूं कि एक पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, और एक इधर ले लो क्यू पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड। कोई समस्या? बेटा जब इसे ज्वाइन करोगे तो ऐसे बना लोगे ना इनको, ये क्या हुआ अपना ओपी, ओ क्यू, पी क्यू। मान लो आप यहां बैठे, आपको क्यू पे पहुंचना है, कैसे जाओगे? एक रास्ता तो बन के जाता है ओपी प्लस पी क्यू, जाता है ना ओपी प्लस पी क्यू, एक रास्ता।
दूसरा सीधा OQ भी तो है। Yes, sir. अब आप जब OP वेक्टर लिखते हो तो क्या करते हो, IJK लगाते हैं हम इनमें, याद होगा मेरे को क्यों बेटा? जब आप वेक्टर बनाते हैं ना तो IJK लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? क्या ये OP और ये क्लियर हो गए मुझे वेक्टर दोनों? Yes, sir. अब मैं जो ये रास्ते वाली बात बता रहा था कि मैं ऐसे जाता हूं कि मैं यहां से चला ऐसे गया इक्वल टू OQ, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। क्या ये लाइन मुझे समझ आई मेरे बच्चों? अब यहीं से अगर मैं कहूं PQ बताओ मुझे, तो क्योंकि OQ OP तो मुझे मिल जाते हैं पॉइंट से, लेकिन PQ नहीं पता। तो अगर मैं यहां से PQ निकालना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा OQ माइनस OP। अब ये OQ को मैं क्या कह दूं, सेकंड वेक्टर? Yes, sir. और OP को फर्स्ट वेक्टर, या क्या वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट? P इनिशियल पॉइंट और Q टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल माइनस इनिशियल वाला हो गया ना यहाँ पे काम, देखो टर्मिनल माइनस इनिशियल हो गया, देखो टर्मिनल OQ माइनस O, ऐसा ही तो हुआ। हाँ जी बेटा, अब आप जरा PQ लिखेंगे, कैसे लिखोगे? OQ माइनस OP, देख रहे हो OQ OP यहाँ पे? Yes, sir. क्यों बेटा? Yes, sir. तो बनेगा क्या, यहां बनेगा देखो ऐसे, X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 K। क्या मेरे को इस लाइन में कोई समझने में दिक्कत हुई? नो सर। सही है? यस सर। चलो अब ये बताओ PQ का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ये स्क्वायर याद होगा अपने को, अगर अगर OP ये था अपना XI YJ ZK, तो हम अंडर रूट में लिखते थे ना ऐसा? यस सर। तो बेटा वही तो, ये x का काम करेगा, ये y और ये z, तो क्या लिखा जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास एक तरह से लेंथ ऑफ वेक्टर हो गया। ये वेक्टर जो ये है, ये अपने पास क्या बना? PQ का मैग्नीट्यूड है ना? Yes, sir. इसी चीज को बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये चीज क्या हो गई? डिस्टेंस नहीं हो गई दो पॉइंटों के बीच? Yes, sir. तो ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हो गई। दूसरा, इसे लेंथ ऑफ वेक्टर PQ भी बोल सकते हो आप, लेंथ ऑफ वेक्टर PQ, ठीक बेटा? यस सर। चलो नोट कर लो बेटा। सर हो गया। चलो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये आपको देखने में दिखाई दे भी रहे होंगे कि मैंने यहां पर ना दो पॉइंट लिखे हैं P एंड Q। इफ P एंड Q आर टू पॉइंट्स
then find the distance between T and Q, and also find a unit vector in the direction of PQ. चलो ट्राई करें, पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताता हूं। सर पीक्यू का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है पा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं पीक्यू निकालना चाहूंगा तो क्यू माइनस पी करेंगे, आई आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा होगा क्या? यस यस सर। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड जो है वही तो डिस्टेंस होगी। अब इसका तो रूट होना निकलना नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यूनिट वेक्टर चाहिए मेरे को। यस सर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे मेरे बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप प्लस सिक्स के कैप अपॉन इसका अंडर रूट, अंडर रूट 38। ये अपना आंसर है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे चलें। नो सर। अब जब हम डिस्टेंस की बात कर ही रहे तो बहुत सारी चीजें ऐसी, क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं जिसमें कहेगा तीन पॉइंट, तो कहेगा नेचर ऑफ ट्राइंगल होता, समझ रहे हैं बेटा? आपको तीन पॉइंट बोलेगा वो, आपको कहेगा एक ए पॉइंट है, एक बी है, एक सी है, आपसे कहेगा नेचर बताओ, नेचर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो नेचर ऑफ ट्राइंगल में मुझे सिचुएशन तो पता है, सारी साइड निकाल लूंगा मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए बी वेक्टर निकाल दूंगा, ई सी वेक्टर निकालूंगा एंड सी ए वेक्टर निकाल। ओके, यहीं से ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड एंड सी ए का मैग्नीट्यूड। कोई परेशानी आएगी क्या मुझे अभी तक? क्लियर हो रहा है क्या प्रोसेस होगा? ए बी सी पॉइंट होंगे, वेक्टर बनेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। Yes, sir. इसके बाद सिचुएशन क्या आएगी? नंबर एक, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, अगर क्या बोलोगे? इक्विलेटरल, भाई सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल तो होता है वो, सर समबाहु है ना, समबाहुभुज, बाहुभुज समबाहुभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समान भुजा वाला, तो हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। आ रहा है समझ में? Yes, दूसरा, अगर कहीं आपने पाया कि भाई दो साइड इक्वल है, आइसो आइसोसेलिस ट्रायंगल समबाहुभुज है ना, समबाहुभुज समद्विभुज, द्विभुज तो बोलेंगे, समद्विबाहु, हाँ समद्विबाहु। चलो तीसरा, अगर कहीं पाइथागोरस लग गई, क्या लग गई? पाइथागोरस थ्योरम लग गई तो क्या हुआ? राइट एंगल,
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तीसरी चीज कि दो साइड इक्वल भी हैं, और पाइथागोरस थ्योरम भी लग गई, तो राइट एंगल के साथ क्या हो जाएगा? राइट एंगल भी हो जाएगा और आइसोसेलिस भी हो जाएगा, तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, मिशन बाहू। अब लास्ट में एक आता है ऑल डिफरेंट साइड्स, ऑल साइड्स डिफरेंट। तो इसको बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन। ठीक है बेटा, विषमबाहु सारी भुजाएं अलग अलग। ओके, सारी भुजाएं अलग अलग होने पे पाइथागोरस लग जाती है ना, तो राइट एंगल हो जाता है। ध्यान रखना, कई बार सारी भुजाएं अलग अलग आती हैं, जैसे तीन चार पांच आ गई, ओ ले भाई ये तो अपना फट गया है ना, ये नहीं है। पाइथागोरस भी चेक करना अगर सारी साइड अलग है। ओके यस सर। अब इसी बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं वो कि भाई अपने पास इस बार चार पॉइंट है, चार पॉइंट है तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीएनई, है ना? क्वाड्रिलेटरल का नेचर भी तो पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो वर्किंग क्या क्या हो सकती है? पैटर्न तो वही रहना है। आप पहले क्या निकालोगे? ए बी बी सी सी डी ए डी, ऐसे निकालोगे। फिर उनकी क्या निकालोगे? लेंथ। यस सर। लेंथ वही मैग्नीट्यूड। यस सर। उसके बाद स्टार्ट होगा क्या? सारी साइड इक्वल आ गई। चलो अपने आप ही बताओ, आप स्क्वायर के लिए क्या क्या होना चाहिए? राइट 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, उसके चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल बराबर होना चाहिए, डायगोनल इक्वल होना चाहिए, और पैरेलल भी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक गेम आता है अपना, किस चीज को लेकर के बताओ? किस चीज को लेकर के? समांतर नहीं, डायगोनल का भी गेम है ना, विकर्ण डायगोनल का भी गेम है मेरे बच्चों। क्योंकि आप एक चीज समझो, ये अपने पास एक आ गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में मैंने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा हुआ है भाई ये साइड दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगे, 90 होंगे, है ना? लेकिन इसमें एंगल का तो रोल है नहीं डिस्टेंस के हिसाब से। अब एक आ गया पंगा पैरेललोग्राम को लेकर। यार पैरेललोग्राम भी तो यही बताता है। क्या बताता है? वो कहता है ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये भी इक्वल होंगी, तो ये तो सिचुएशन सेम हो गई अपनी। फर्क क्या है? फर्क है इसमें जो ये डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल ना इक्वल होते हैं किसमें? रेक्टेंगल में, यानी कि आयत में, और समांतर चतुर्भुज में या पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होंगे? क्या अब मुझे ये समझ आया कि डायगोनल का रोल भी है? अब तो इसका मतलब चार साइडों के साथ दो डायगोनल भी निकालना जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल के लिए दो साइडों से अलग डायगोनल भी निकालना जरूरी। अब इसी से तो फर्क पड़ेगा आपका स्क्वायर एंड रोम्बस पे। क्यों? स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर हो गया चारों साइड इक्वल, लेकिन रोम्बस भी तो चारों साइड इक्वल, लेकिन वो पैरेललोग्राम का भाई होता है। yes, समझ रहे हो? yes, है ना बेटा? yes, इसका मतलब डायगोनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब मान लो काइट प्रूव करनी है आपको, काइट ट्रेपेजियम, ये दोनों इक्वल होंगे,
है ना, डायगोनल अगर इक्वल होंगे, ठीक। ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम में सारी साइड अलग भी हो सकती हैं, दो साइड इक्वल भी हो सकते हैं, तो ट्रिपेजियम में बस एक ही कंडीशन होती है, पैरेलल पेयर होता है। वो अभी नहीं आएगा, वो पैरेलल पेयर अभी थोड़ा हम जब एंगल्स पे बात करेंगे तब हम डिस्कस, अभी साइड को लेकर के चर्चा चल। सही बेटा? यस सर। तो जब चार साइड वाला पूछा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात होगी, तो पहले चारों साइड निकाल लेंगे और साथ में दोनों डायगोनल, ये भी अपना मतलब निकाल लेंगे। सही है, आगे चलो। हाँ जी बेटा। यस चलो। कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लिंक है कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ना मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूले, ये भी तो आते थे अपने, है ना बेटा, आते थे। तो हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करें, सेक्शन फॉर्मूला देखिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, इनके दोनों जॉइन किए और यहां पर कोई ना पॉइंट, ये ए पॉइंट कह दो, ये बी पॉइंट कह दो, इसे ओ मान लो, यहां एक सी पॉइंट है जो ये आपका बना, एक नया वेक्टर ओ सी बन गया, ओ सी वेक्टर, देख रहे हो, इसे आर कह देता हूं थोड़ी देर पे। तो अगर ये एम और एन रेशियो हो, क्या एम एंड एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है डिवाइड, सी कर रहा है, किस वेक्टर को कर रहा है, ए बी वेक्टर को कर रहा है, दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा, हाँ बेटा, यस सर, क्लियर है मेरे को, यस सर। अब ये वेक्टर फॉर्म कैसे है, देखो ये वेक्टर ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे, समझ रहे हो, क्यों जी, ये बताओ कि अगर ये एसी वेक्टर निकालना होगा मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा एसी को, सोचो डायरेक्शन के हिसाब से सोचो, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, मुझे लगता है आर माइनस ए नहीं होना चाहिए, सर समझ में नहीं आया, देखो आप ऐसे गए ये फिर ये, तो ये हुआ ना भाई, ऐसे गए ऐसे आए तो ये रिजल्ट बना आर, क्यों, तो ये जो एसी है ये कैसे लिखोगे, ए प्लस ए सी इक्वल टू आर नहीं बनेगा, अब बेटा बोलो भाई, आप ऐसे गए ना घूमने निकले, आप यहां से पहले ऐसे गए फिर वापस आए यहाँ पे, तो इन दोनों का सम इक्वल टू ये, यस सर, यही तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, यस सर। तो अगर मैं यहां से ए सी को निकालना चाहूंगा तो आर माइनस ए बोलूंगा, ऐसे ही बीसी भी तो कहूंगा, अब आर माइनस बी, सोच लो भाई, बी प्लस बीसी इक्वल टू आर, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो सीधा भी तो जा सकता था उसी, तो क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं, यस सर। अब इनके रेशियो, रेशियो मेरे को दे रखे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे होगा कि जब रेशियो वाली बात होगी तो ये दूसरे तरीके पे जाओगे, आप इसमें जाओगे m इंटू ए सी इक्वल टू n इंटू n इंटू बी सी, ठीक है बेटा, भाई एक तरह से ये हुआ ना
कि ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू एन अपॉन एम, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई समझो एक तरह से, यहाँ क्या समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए सी की जगह आर माइनस ए, और ये क्या आएगा बी सी की जगह आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे होगा, दिख रहा है कुछ, एक 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 गड़बड़ ये हुई है, हमने डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे, ये डायरेक्शन ऐसे लो, एक ही डायरेक्शन रहेगी ना वेक्टर, ये वेक्टर की डायरेक्शन गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, समझ गए, ये होगा b माइनस आर, क्या होगा b माइनस, डायरेक्शन वो एक ही वेक्टर की दो डायरेक्शन बना दी हमने, घपला कर दिया हम लोगों, अभी से देखो ब्रैकेट ओपन करो, एम आर माइनस एम ए इक्वल टू एन बी माइनस एन आर, ऐसे होगा क्या, दिख रहा है मुझे, देखो ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है भाई, अब देखो ये एक साथ कर दो, एम आर प्लस एन आर इक्वल टू प्लस एन बी, अब ये आर कॉमन होकर के डिवाइड में भेज दू क्या उसको उधर, ये अपने पास सेक्शन फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला, ले लो लिखो जल्दी से इसको, वैसे अपना काम केवल इतने से है, याद होना चाहिए, हो गया बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आता है, बस एक्सटर्नल में क्या यूज हो जाता है बीच में, यहाँ पर माइनस साइन, बस इतना ध्यान रखना, एक्सटर्नल में माइनस, इंटरनल में प्लस, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ लो कि अपने पास उसी तरह के दो वेक्टर हैं और इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट की चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे आप, दोनों के वन वन हो गए भाई, जब मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल रेशियो होंगे, दोनों तरफ इक्वल होगा, तो इस केस में आपका m इक्वल टू n इक्वल टू वन हो गया, वन, तो अब कैसे इस्तेमाल होगा, जो OC वेक्टर होगा या जो R वेक्टर होगा, ये होगा a प्लस b अपॉन टू, क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू, ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, बोलो बेटा, आ गया समझ, If a equal to अभी उसको क्या नहीं है फिर वो find the find the vector of midpoint.
joining. क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वैसे, बता देता हूँ. इफ ए और बी, ये ए बी आपको दो वेक्टर दे रहा है मुझे, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर. उसने कहा फाइंड द वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग एंड. जो ए और बी दो पॉइंट है या वेक्टर है, इन दोनों को ये ए मान लो ये बी मान लो, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, किसके मिड पॉइंट के लिए वेक्टर बताना है. जो मिड पॉइंट यहां बनेगा, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनको ज्वाइन किया गया, उस ज्वाइनिंग से जो वेक्टर बना उसके मिड पॉइंट की बात कर. लगाए जरा, तो हमें तो अपना यहीं पे जाना है क्या बेटा, थ्री आई प्लस टू के. हाँ, तो सी वेक्टर जो होगा वो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो सिक्स अपॉन टू जे कट ही जाएगा, क्लियर है बेटा. यस सर. अब आज के विचार मेरे मन में है कि आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं. कुछ समझने में परेशानी तो नहीं आ रही मेरे बच्चों को? सर. अच्छा, ठीक ठीक चल रहा है अपना, बढ़िया. अच्छा, बढ़िया लग रहा है सर. इस टाइप के क्वेश्चन भेज दीजिए ग्रुप में. हाँ, अभी हो सकता है आपको पीडीएफ मिलेगी पूरी. एनसीईआरटी बुक लेवल की किताब तो आप पे होगी? आप अपना एनसीईआरटी ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि थोड़ा स्कूल लेवल पे हमें ज्यादा फोकस करना है. रीजन उसका ये है कि जब आपका बेसिक बहुत अच्छा तैयार होता है, आगे की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टफ लेवल की हम बात करते हैं, वो तभी तो आएगा ना जब नीचे से आपको बहुत अच्छे से पता होगा. जैसे मैंने कोई क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ऐसा हमने पढ़ा था, अब वो चीज हमने पढ़ी नहीं होगी तो उस समय बड़ी परेशानी होती है. ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल के चले गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, है ना. तो इसीलिए बेसिक पे अपना मतलब, बेसिक से मतलब 11 12th लेवल की जो चीजें हैं, एनसीईआरटी की जो चीजें हैं, वो आपको पहले अच्छे से तैयार करें, ठीक है. जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें पूरा ध्यान रखूं कि हर पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ताकि कहीं क्वेश्चन के अंदर वो चीज यूज हो रही हो तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना बेटा. Yes, sir. चलो, वैसे कोशिश करेंगे हम कुछ पीडीएफ्स आपको थोड़ा इजी लेवल की भी कुछ देखते हैं चीजें, वरना आप अपना एनसीईआरटी तो और स्टेप ऐप पे तो आप करेंगे. स्टेप ऐप पे खेल रहे हैं आप लोग? पढ़ा ही चैप्टर आपने थ्योरी वहां से? बेटा वहां से आप थोड़ा इसको देखो एक बार, जाओ उस पे स्टेप ऐप पे और वहां से इसको पढ़ो, अच्छे से सीखो थ्योरी की चीजों को. थ्योरी से ही क्वेश्चंस लगते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो वहां बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कम जगहों पर मतलब छोटा सा लिखा होता है, पता चला उसका इस्तेमाल हुआ, अब वो हमने पढ़ा नहीं है तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है प्रॉब्लम, ठीक है ना बेटा. यस सर. चलेगा, कुछ पूछना है और? यस सर.